भुने हुए चिकन के लिए हमने लिए हैं 3 टमाटर, 3 प्याज, अदरक लहसुन, हरी मिर्च। अब हम इनका पेस्ट बनाएंगे। देखिए गाइस, चिकन हमने धो दिया है अच्छी तरीके से। ये भुना हुआ मुर्गा है, मुर्गी नहीं है, भुना हुआ मुर्गा है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए गाइस, अब हम बनाने जा रहे हैं। देखिए गाइस, तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे 1 चम्मच जीरा है और 2 तेज पत्ते हैं बस, और कुछ नहीं डाल रहे हैं खड़े मसाले, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है खाने में। देखिए गाइस, जीरा चिटक गया है। अब ये लहसुन, अदरक और जो हमने पेस्ट बनाया है, देखिए जो ये मैंने टमाटर पीसा था, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। देखिए गाइस, टमाटर भी डाल दिया है, अब अच्छी तरीके से भून रहा है। फिर इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में हम थोड़ा सा पानी डाल के, देखिए गाइस, अब हम इसको थोड़ा सा, गाइस ये जा रहा है मसाला जो मैंने पानी में थोड़ा घोल के रखा था। देखिए गाइस, देखिए गाइस, अब ये अच्छी तरीके से भुनेगा। देखिए अब डाल रहे हैं थोड़ा पानी, अब से 5 मिनट के लिए हम भुनेंगे अच्छी तरीके से। हम देखिए गाइस, मसाला हो गया है। अब हम डाल रहे हैं भुना हुआ चिकन। देखिए डल गया है। अब हम इसे तरीके से खूब भुनेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे। अभी हम 4-5 सीटी लगाएंगे भुनने में ही। डेढ़ किलो चिकन है गाइस ये भुना हुआ। देखिए गाइस, अब हम इसमें सीटी लगाएंगे। अब 4-5 सीटी लगाते हैं। देखिए गाइस, अच्छी तरीके से भून गया है। अब डाल रहे हैं हम इसमें चिकन मसाला। देखिए गाइस, अब हम इसे डाल के इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। देखिए गाइस, अब इसमें डल रहा है पानी। पानी आप अपने हिसाब से रखिए, गाढ़ा खाना है या तरी ज़्यादा ही तरीदार खाना है गाइस। देखिए गाइस, अब लगाने जा रही हूँ मैं इसमें सीटी। 4-5 सीटी और आएगी इसमें, क्योंकि भुना हुआ होता है, भुने में सीटी ज़्यादा लगती है। देखिए गाइस, देखिए गाइस, चिकन रेडी हो गया है। अब डाल रही हूँ मैं इसमें हल्का सा गरम मसाला और जा रहा है इसमें हरा धनिया। देखिए गाइस, देखिए गाइस, देखिए गाइस, रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, मेरे चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट सबको।